What's up, guys? So welcome to the channel, The Unchaseables. Let's have a wonderful start to a beautiful day. So this is yet another review, a bike review of this beautiful bike you can see. So this is the new sexier Royal Enfield Thunderbird 350X. Okay, let's start this. Looks nice. Let's get going. ये बाइक एक न्यू लॉन्च है थंडरबर्ड की तरफ से. ओके, दिस इज नॉट अ टोटली न्यू बाइक. ये अर्लियर थंडरबर्ड 350 जो थी उसी में उन्होंने चेंजेस किए हुए हैं. चेंजेस टेक्निकल चेंजेस ज़्यादा नहीं है इसके अंदर. इस बाइक को रेयर डिस्क है जो थंडरबर्ड प्रीवियस थंडरबर्ड में था. इसमें जो भी मैक्सिमम चेंजेस है वो सारे कॉस्मेटिक चेंजेस है. इंजन बिल्ड अभी भी सेम है. सो आई विल नॉट गेट इनटू द टेक्निकलिटी और मे बी द स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंजन, क्योंकि हम में से बहुत लोगों ने थंडरबर्ड ऑलरेडी एक्सपीरियंस की होगी. सो आई नॉट टॉक मोर अबाउट द इंजन थिंग. द इंजन इज द सेम. कमिंग टू द एर्गोनॉमिक्स पार्ट, विच इज माय फेवरेट पार्ट इन द बाइक आफ्टर द इंजन एंड एवरीथिंग एल्स. सो टॉकिंग अबाउट द एर्गोनॉमिक्स एंड द कंफर्ट लेवल, बाइक एज इट्स प्रीवियस सिबलिंग, अब भी ये बाइक उतनी ही कंफर्टेबल है और मे बी यू कैन से ज़्यादा कंफर्टेबल है. वाइड ओपन चेस्टर स्ट्रक्चर है बैठने के बाद. इस पर हैंडल बार्स आर माउंटेड इन सच अ वे वेयर एंड यू ऑब्वियसली अगेन गेट एन एल्बो आउट पोस्चर. टैंक बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा है. इसका फ्यूल टैंक इनटेक का साइड से उन्होंने रखा है जैसे हार्ली डेविडसन पे होता है. द मीटर लुक्स नाइस. इसको भी एक वाइजर की ज़रूरत पड़ेगी इफ़ यू आर अ क्रूजर, इफ़ यू डू अ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज. टॉकिंग अबाउट द फुट पैक्स उन्होंने थोड़ा सा आगे लिया हुआ है. द सिटिंग पोजिशन और द अर्गोनॉमिक्स इज अ लिटिल बिट लाइक इंस्पायर्ड बाई हार्ली डेविडसन यू कैन से. जैसे स्क्रैम्बलर की सीट्स है उस तरीके की सीट्स उन्होंने दी हुई है. इसका बैकरेस्ट नहीं है, इसको रेल्स है, ग्रैब रेल्स है इसको, विच गिव्स अ स्टाइलिश एंड अ स्लीकर लुक. टू टॉक अबाउट दिस बाइक्स इंडिकेटर्स, उन्होंने वो हाली की तरह उनको मैट ब्लैक पेंट किया हुआ है टू गिव इट अ सॉलिड लुक. येस, दिस बाइक हैज़ अ प्रोजेक्टर लाइक इट्स ओल्डर वर्जन. द कम्फर्ट वाइज ये बाइक काफ़ी अच्छी है. इसके सिटिंग जो सीट्स है, फ्रंट सीट्स थोड़े से शालू है, नॉट एग्जैक्टली अ बकेट सीट यू कैन से, बट थोड़े से शालू है जो बटक्स को अच्छा ग्रिप देते हैं, एज इन यू वॉन्ट बी अनकम्फर्टेबल ऑन दिस बाइक फॉर अ लॉन्गर टाइम. इंजन वाइब्रेशन दी सेम, इनिशियल पिकअप सेम, ऑब्वियसली सिंस इंजन इज सेम. ये बाइक की आपकी कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि इस पर इसका पोस्चर जो है इट वर्क्स द मैजिक. अगर आप देख सको तो मेरे घुटने थोड़े से आगे है एंड माई लेग्स डाउन आर अ लिटल अहेड, विच गिव्स मी अ मोर कंफर्टेबल राइड फॉर अ लॉन्गर डिस्टेंस. स्विचेस वही है. ये बाइक में ABS है नहीं है. ये सब मेजर चेंज जो उन्होंने किया हुआ है रॉयल एनफील्ड ने, जो उन्होंने काफ़ी पहले कर देना चाहिए था, बट देन आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न. इस बार उन्होंने इस बाइक से स्पोक्स हटा दिए है. दिस बाइक इज़ गॉट अलॉय व्हील्स, बट देन व्हाट आई रिमेंबर एंड आई नो, स्पोक्स शॉक को बेटर अब्जॉर्ब करते हैं. एंड येस, यू माइट गेट अ स्मूथर राइड ऑन एन ओल्डर थंडरबर्ड एज कम्पेयर टू दिस वन. बट इसका टोटल जो मुझे आउटलुक दिख रहा है, इट लुक्स लाइक अ मोर ऑफ सिटी राइडर एंड लेस ऑफ अ, नॉट अ ऑफ रोड यू कैन कॉल इट एज, बट ये मोर ऑफ अ सिटी राइडर लग रहा है मुझे. बिकॉज जैसे कुछ ट्रिम डाउन उन्होंने किए हुए हैं, बैकरेस्ट को हटाना, बिकॉज ऑल दैट दे आर पुट इन द बाइक गिविंग इट अ यूजेज, उसके थिंकिंग दैट इसका यूटिलिटी ज़्यादातर लॉन्ग राइड्स के लिए होगा, बट अभी उन्होंने बैकरेस्ट भी हटा दिया है. Let's have a short walk around of this bike. The tank is very stylish. This is how it looks from behind. The best part I liked about this bike is the rear of it. Look at the seat. Very stylish. The tails are also very sexy. Silencer is matte black painted, which is giving this bike a little grave look. 350X. If you see this alloys, matte black painted alloys.
the projector. सीट्स थोड़ी स्लेंडर है, द ग्रैब रेल्स, लेट्स गो बैक. बाइक को थोड़ा भगाया जाए. दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट फॉर दिस बाइक टू बी रिडन फास्ट. सो यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं भगाऊंगा इसको. दिस इज एन इंडियन डुकाटी स्क्रैम्बलर गाइस. Brakings, nice, okay. Bike has a very good 0-60. I mean, the initial pickup is very low, not very low, a little low. And we reach our place.